नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय इति मिश्रा में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम आपके लिए लाए इम्यूनिटी बूस्टर अचार। अचार तो सभी लोग खाते हैं, पर जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो वो अचार आज हम बनाएंगे। और इसे आप बढ़िया सा इंजॉय कीजिए, बनाकर रख लीजिए। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा अचार होता है। तो आज हम बनाएंगे अदरक का अचार, जिंजर का अचार। तो यहाँ पे हमने ली है बिल्कुल बढ़िया सी फ्रेश अदरक। तो इस समय अदरक जो होती है वो अचार बनाने वाली मिलती है, तो ज़्यादा जड़ीली टाइप की जो अदरक होती है वो नहीं होना चाहिए। तो इस समय आपको अदरक बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो जब अदरक का सीजन है तो आप अचार बनाकर इसे रख लीजिए और बढ़िया सा चले आपको सालों साल। तो यहाँ पे हमने अदरक ली है 250 ग्राम, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 3/4 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबलस्पून अजवाइन, 1/4 टेबलस्पून कलौंजी, 1/2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड, 1/2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड, 1 बिग लेमन, साथ में 1/2 टेबलस्पून विनेगर और 20 ml मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे हम तेल का यूज़ बहुत कम करेंगे। तो सबसे पहले आपको अदरक को अच्छे से वॉश कर लेना है और इसे क्या कहते हैं, आप सूखे कपड़े पे रखकर सुखा लीजिए। इसका जो पानी है ऊपर से वो पूरी तरीके से सूख जाए। फिर आप इसके अदरक को अच्छे से आप छील लीजिए, छिलका बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आपको अदरक से को अच्छे से छील कर फिर इसे हम बीच से इस तरीके से कट करेंगे और फिर उसके ऊपर से दो पीस और करेंगे। फिर इस तरीके से लंबे लंबे कट पीसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ी सी अदरक हल्की सी क्या है, जड़ीली टाइप की, तो ये भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। अगर हो सके तो मुलायम वाली लीजिएगा। एक दो अदरक आपकी ऐसी अगर आप लेते हो तो मिल ही जाती हैं। तो ये अदरक का अचार जो होता है वो बहुत ही बढ़िया बनता है और खाने के साथ इसे आप लोग खाइए, खाना बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और ठंडक में अदरक का अचार अभी आप बनाइए और ठंडक में अदरक के अचार का मज़ा लीजिए, जो हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे हमने इसे क्या है, अच्छे से हम छील कर और इस तरीके से हम लंबे लंबे पीसेस काट लेंगे। अगर आपको इसे हल्का सा सुखाना है तो आप इसको हल्का सा प्लेट पे फैला कर और इसे पंखे के नीचे आप 10 मिनट के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। जो हल्का सा पानी वो सूख जाएगा, फिर आप इसका अचार बनाइए, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो यहाँ पे अदरक को हमने अच्छे से छील कर 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दिया था और ये काफ़ी अच्छे से सूख चुकी है। अब इसे हम लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ पे देखिए, इसको लंबा लंबा अचार ये बनाएंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो टेस्टी है ही है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्क सा हम कलर देने के लिए इसको डालें। साथ में हम डालेंगे काला नमक और साथ में हम डालेंगे यहाँ पे सेंधा नमक। अगर आप नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करते हैं, वाइट सॉल्ट, तो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी हम अजवाइन फ्लेवर के लिए, जो बहुत ही अच्छी रहेगी। साथ में हम एक बड़ा नींबू डाल लें। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं, छोटे हैं तो आप दो डाल सकते हैं नींबू। तो यहाँ पे नींबू और अदरक को जब हम मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, तो इसे बहुत देखने में अच्छा भी लगता है। साथ में हम खड़े मसाले में लेंगे सौंफ, धनिया, सरसों, कलौंजी। कलौंजी की क्वान्टिटी बहुत कम लेनी है और इन सबको हल्का सा रोस्ट कर इसका एक पाउडर थोड़ा सा बना लेना है, दरदरा टाइप का, और सबको इसमें डाल देना है। साथ में हम यहाँ पे डालेंगे इसमें ऊपर से विनेगर, थोड़ा सा खट्टा और देने के लिए ताकि अचार ख़राब ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिरका डाल रहे हैं करीब 1/2 टेबल स्पून और इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक कि हम इसे मिक्स कर रहे हैं तब तक ही तेल जो है वो हमने पहले से गर्म कर लिया था और तेल ठंडा होने के लिए रख दिया है। इस तरीके से करने से क्या होता है, अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है और साथ में लॉन्ग टाइम तक की बढ़िया से चलता भी है और जल्दी रेडी भी हो जाता है खाने के लिए। मुझे तो अदरक का अचार इतना पसंद है कि बस मैं बनता है मैं तुरंत खा लेती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और खाना खा रहे हो और इसको आपने खा लिया तो डाइजेशन की, जैसे किसी को गैस की दिक्कत हो रही है और बाकी कोई दिक्कत हो रही है, तो सारी कब्ज़ की दिक्कत भी दूर हो जाती है अगर आप इस अचार को खाते हो।
तो रेगुलर में आप इसे थोड़ा सा आप खाने के बाद जरूर खाइए तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हमने इन सबको अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लिया है, सारे मसाले जो हैं वो प्रॉपर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तेल भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इस तेल को हमने इसमें डाल दिया है, अब तेल को डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा, आप किसी भी कांच की जार में इस अचार को रख दीजिए और ये आपका अचार जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक की अचार चलता है और बेस्ट अचार है। तो बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आप लोग भी इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने आम का अचार, कटहल का अचार, सारे अचार बनाए होंगे, आप इस अचार को बना के देखिए, जाड़ा शुरू होने वाला है, आप इस अचार को एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे मैंने अचार को अच्छे से बना लिया, इसे कांच की जार में मैंने सर्व कर लिया है ताकि ये अचार हमारा ख़राब ना हो। और बताइएगा मेरी रेसिपी कैसे लगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये अदरक का अचार आपको कैसा लगा और आप लोग कब बनाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।